पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। उपचुनाव को लेकर के अब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा लगातार हो रही है। आपने देखा कि उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से एक बैठक बुला करके प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई। तरारी, बेलागंज और इमामगंज के साथ साथ रामगढ़ की सीट पर अब लगभग सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इसके अलावा मनोरमा देवी, जो जदयू की पूर्व में MLC रही हैं, उनके नाम की भी घोषणा लगभग हो चुकी है। बस ऑफिशियली अनाउंसमेंट बाकी है। इसके साथ ही साथ जो जीतन राम मांझी की सीट थी इमामगंज की, उस सीट पर कौन लड़ेगा, इसको लेकर काफ़ी समय से मंत्रणा चल रही थी। हमने संतोष सुमन से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम एक बैठक बुलाए हैं और इस बैठक के बाद फैसला करेंगे कि क्या कुछ करना है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि संतोष सुमन और उनके पार्टी के तरफ से, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के तरफ से, अब फाइनल कर दिया गया है कि प्रत्याशी कौन होंगे। प्रत्याशी उनकी पत्नी, यानी कि जो संतोष सुमन बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनकी पत्नी दीपा मांझी को टिकट दे दिया गया है, सिंबल भी दे दिया गया है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा होगा, जिसमें जीतन राम मांझी खुद अपनी पतोहू को जो चुनाव का टिकट है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं, आप देखिए। ये दीपा मांझी हैं, संतोष सुमन जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनको ये, उनकी पत्नी हैं, उनको ये सिंबल और टिकट दिया जा रहा है जीतन राम मांझी की तरफ से। ये पूर्व से भी लगातार अंदेशा था कि मतलब उन्हीं को मिलेगा, चूंकि ये उनके परिवार का सीट रहा है, तो कहीं ना कहीं इन सीटों पर जीतन राम मांझी ने अपने परिवार के ही एक सदस्य को उतार दिया गया है। कई जो चर्चाएं चल रही थी, अब चर्चाओं पर मुहर लग गया है। अलग अलग मीडिया चैनलों में खबरें चल रही थी, लेकिन सबसे पहले भारत लाइव की तरफ से इन चारों सीटों पर दावेदारी भी की गई थी और बता दिया गया था कि किसके खाते में कौन सी सीट जा रही है, उम्मीदवार कौन होगा, यहां तक भी हम लोगों ने बताया था। तो अब देखिए, तरारी में विशाल प्रशांत वर्सेज राजू यादव, बेलागंज मनोरमा देवी वर्सेज, आपको बता दें बेलागंज में मनोरमा देवी वर्सेज विश्वनाथ कुमार सिंह RJD से। रामगढ़ की सीट से अगर बातचीत करें तो रामगढ़ की सीट पर भी अब कहीं ना कहीं मोहर लग गया। अशोक कुमार सिंह BJP और अजीत सिंह RJD से अब फाइनल हो गया है। वहीं जनसुराज भी अब बिहार में अपना कैंडिडेट उतार रहा है और जनसुराज के तरफ से भी कहीं ना कहीं सब कुछ फाइनल हो गया है। प्रत्याशी कौन उतरेगा, सिवाय एक रामगढ़ की सीट अभी तक उसने पर्चा नहीं खोला है। अब NDA और महागठबंधन के तरफ से प्रत्याशियों के नाम के अनाउंसमेंट के बाद अब सब कुछ तय हो गया कि कौन किधर से लड़ रहा है। जनसुराज कितना कमाल दिखा पाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इधर महागठबंधन के मीटिंग समाप्त होने के बाद विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की तरफ से NDA गठबंधन की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और संयुक्त रूप से कल हो सकता है कि इनकी एक प्रेस वार्ता भी बुलाई जाए और प्रेस वार्ता में सभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाए। तो इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको लगातार खबरें मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।